वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुल्हड़ किस तरह से तैयार किए जाते हैं। दोस्तों आपने चाय तो बहुत बार पी होगी कुल्हड़ के अंदर, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि कुल्हड़ किस तरह से तैयार होते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे कुल्हड़ तैयार होते हैं, हम आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कि कुल्हड़ किस तरह से तैयार होते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो हम जा रहे हैं उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे कुल्हड़ तैयार किए जाते हैं। तो ये हमारा सफ़र 2 किलोमीटर का लगभग है। वहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह से कुल्हड़ तैयार किए जाते हैं। जहाँ पे ये कुल्हड़ तैयार किए जाते हैं, अब हम आपको बताएंगे स्टेप बाई स्टेप किस तरह से मिट्टी से कुल्हड़ तैयार किए जाते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में ये तैयार होती है मिट्टी, इसके अंदर डाली जाती है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसके अंदर मिट्टी को पेस्ट किया जाता है मशीन के द्वारा, और फिर ये पेस्ट पूरा इसके अंदर आता है, यहाँ से नीचे आता है पूरा, फिर इस पेस्ट को आगे ले जाया जाता है, मिट्टी को पहले ऐसे पेस्ट किया जाता है इस मशीन के अंदर। मिट्टी का पेस्ट तैयार होने के बाद फिर ये जाता है मशीन के अंदर, हम आपको बताएंगे। तो जो पेस्ट की गई मिट्टी को फिर यहाँ पे लगाया जाता है, मशीन के अंदर डाला जाता है। पूरी सब कुल्हड़ की फ्रेम है जो अलग अलग तरह के यहाँ से बनाए जाते हैं, कुल्हड़ अलग अलग साइज़ के बनते हैं, अलग अलग फ्रेम पे गिलास है, जो चाय के कुल्हड़ है सब अलग अलग फ्रेम के अनुसार बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों ये कुल्हड़ के अंदर चाय का टेस्ट लेते हुए जो काफ़ी स्वादिष्ट होती है चाय के अंदर, ये है वो कुल्हड़। और इनका तीसरा स्टेप है जहाँ पे इस फ्रेम के अंदर मिट्टी को डाला जाता है और फिर यहाँ पे ये बनाया जाता है कुल्हड़। चौथा स्टेप के अंदर यहाँ पे फिर फ्रेम से निकाल के वहाँ पे सुखाया जाता है यहाँ पे। पांचवें स्टेप में क्या है कि ये फ्रेम से जो निकाल के कुल्हड़ को यहाँ पे सुखाए जाते हैं, और फिर सुखाने के बाद फिर कुल्हड़ के अंदर यहाँ पे पूरे इकट्ठे किया जाता है एक साथ, इस तरह से देखो ये सुखाए जाते हैं पूरे। एक दिन में लगभग ये 20 से 30 हज़ार तक ये कुल्हड़ बनाए तैयार किए जाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे इस तरह से यहाँ पे इसको इकट्ठा किया जाता है। स्टेप में आपको बताएंगे कि सभी कुल्हड़ जो वहाँ से इकट्ठा करके फिर उसके अंदर पट्टी के अंदर डाला जाता है, और फिर उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली जाती है, फिर उसके अंदर आग दी जाती है, इस पट्टियों के अंदर इस कुल्हड़ को साइज वाइज यहाँ पे डाला जाता है, फिर मिट्टी से फिर इसके अंदर ऊपर मिट्टी डाली जाती है, और फिर यहाँ से इनका जो भी निकलने वाला धुआं है वो फिर इस सिमनी के अंदर से, देखो बड़ी सिमनी बनाई हुई है,
फिर फाइनली यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है। दूसरे दिन उस भट्टे से ये बाहर निकाला जाता है, फिर ये स्टेप बाई स्टेप अलग अलग डाले जाते हैं। अगर किसी को भी कूलर चाहिए होलसेल भाव में, तो ये देखो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पर आप संपर्क कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। राजस्थान के कहीं भी इलाके में, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये। तो आखिरी दोस्तों, इस तरह से कूलर तैयार होते हैं, काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है इसके अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।